इस प्रश्न में हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो x है ना, इसी का हमें मान निकालना है। और यह प्रश्न है किस रूप में, तो यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न समीकरण के रूप में है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत यह है ना कि दोनों जगह पर रूट है। अब यह प्रश्न तो रूट के अंदर है, तो इसलिए यह देखने में ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न को बनाना कठिन है। लेकिन यह प्रश्न बहुत ही आसान है, या यूं कहे कि यह प्रश्न आसान से भी आसान है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है, जब दोनों तरफ रूट हो, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग से कहने का मतलब कि पावर दो कर देंगे। देखिए हमें किसी भी तरह से यहाँ पर एक्स का जब मान निकालना है, तो हमें सबसे पहले यह करना होगा कि इन दोनों पर से रूट को हटाना होगा। रूट हटेगा तभी ना हम एक्स का मान निकाल पाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले जो प्रश्न है ना, उसे मैं ज्यों कहते हैं उसी तरह से लिख लेता हूँ। उसके बाद इस पर क्या करना है, तो वर्ग करना है इस तरह से, फिर बीच में बराबर है तो बराबर। इस प्रश्न को भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, और इस पर भी क्या कर देना है, तो वर्ग कर देना है। अब देखिए यह रूट का नियम होता है कि जब रूट का वर्ग होता है तो उस पर से रूट हट जाता है। किसी भी संख्या को यदि इस तरह से रहेगा ना रूट के अंदर, और उसका वर्ग कर देंगे ना, तो इस पर से रूट हट जाएगा और यह केवल संख्या हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी रहेगा संख्या, उसका वर्ग कर देंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, यह केवल संख्या हो जाएगा। इसी तरह से यह प्रश्न भी बनेगा। अब देखिए दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया है तो इस पर से रूट हट जाएगा, तब यह इस तरह से हो जाएगा 4x+2, और यह बराबर में हो जाएगा 3x+4। इस पर से रूट हट गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए x का हमें मान निकालना है ना, तो x वाले को हम एक तरफ लाएंगे। यहाँ पर पहले से है 4x और इधर है 3x, तो यह बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 3x, फिर यह बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर है 4, तो 4 और यह 2 इस पर आएगा, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस प्लस किस तरह से हो रहा है, जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए यह नियम होता है समीकरण का कि जब भी कोई भी चिन्ह माइनस रहता है बराबर के उस पर जाता है तो प्लस बन जाता है, उसी तरह से जब प्लस रहता है बराबर के उस पर जाता है तो माइनस बन जाता है, गुणा रहता है बराबर के उस पर जाता है तो भाग बन जाता है, और भाग रहता है बराबर के उस पर जाता है तो गुणा बन जाता है। ठीक, यह नियम समीकरण में काम करता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो यह बराबर के उस पर गया तो -2 हो गया। यह प्लस में था यह वाला 3x, तो बराबर किस पर आया तो माइनस में बदल गया। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए 4x मूल्य हम 3 घटाएंगे तो x बचेगा, बराबर 4 मूल्य 2 घटाएंगे 2 बचेगा। और इस तरह से बहुत ही आसानी से x का मान निकल कर आ गया, और यही हो गया इसका राइट आंसर।